हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन के भेदों और उनके उच्चारण की चर्चा। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं और कैसे उनका उच्चारण किया जाता है, आज हम उसके बारे में स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखेंगे। इससे पूर्व हम स्वर वर्णों की और उसके उच्चारण की चर्चा कर चुके हैं, तो हमें वहाँ पता होना चाहिए कि स्वर वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जो कि बिना किसी की सहायता के यूज किए जाते हैं, लेकिन जिन हम व्यंजन वर्णों की चर्चा अब यहाँ करने वाले हैं वो व्यंजन वर्ण इस प्रकार से हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जी हाँ, व्यंजन वर्ण हम बिना स्वर की सहायता के, अर्थात स्वरों की मात्राओं की सहायता से ही हम उनको लिखते हैं और उनका बोल करके उच्चारण भी करते हैं। इस प्रकार से इन उच्चारण में जो हवा अवरुद्ध होकर के आती है और मुख द्वार से निकलती है, ये उच्चारण की अपेक्षा से यहाँ बताया गया है। और इसके संपूर्ण रूप से जो भेद कहें तो यहाँ पर 33 भेद बताए गए हैं। वो 33 भेद कैसे होते हैं और किस प्रकार से पूरे 33 वर्ण, ये वर्णों की संख्या का भेद है कि टोटल 33 वर्ण होते हैं, व्यंजन के भेद नहीं हैं, ध्यान रखें, क्योंकि व्यंजन के भेद तो यहाँ पर ये तीन अभी बताए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ चार डायग्राम भी बनाया हुआ है, तो कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि व्यंजन के भेद कितने हैं। तो कहा है कि उच्चारण की अपेक्षा से वर्णमाला के व्यंजन के तीन भेद हैं। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन है, जिनकी संख्या कुल 25 बताएंगे। चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं और चार ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। इन सभी को जोड़ देते हैं तो टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। तो चलिए सबसे पहला भेद जो है स्पर्श व्यंजन, उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या कहलाता है। पहले तो इसका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है तो किस आधार पर रखा गया है। स्पर्श मतलब होता है टच करना, तो स्वर तंत्रियों के विभिन्न विभिन्न स्थानों को छूने के कारण इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और इनकी जो संख्या है वो यहाँ पर बताई गई है 25। ध्यान रखना, ये जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं, अर्थात का से लेकर के माँ तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हमने इनको लिखने की अपेक्षा से जैसे का वर्ग में 5 वर्ण रख लिए हैं, का खा गा घा इंगा, चा वर्ग में 5 वर्ण हैं, चा छ ज झ य, टा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, टा ठ ड ढ ण, ता वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, ता थ द ध न, और पा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, पा फ ब भ म। इस प्रकार से ये छोटा बड़ा तो हमें बचपन से ही आते हैं, बचपन से मतलब है जब से हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी हुई है, हमें आज तक ये सारे छोटा बड़ा याद हैं। लेकिन इनका भेद हम कैसे करते हैं, उच्चारण किस आधार से होता है या उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, विशेष हमें यही देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको उच्चारण की एक शैली बता दूं कि उच्चारण के समय उच्चारण की अपेक्षा, जैसे कि यहाँ पहली लाइन कही गई थी कि हवा अवरुद्ध होती है, ठीक, उच्चारण में हवा अवरुद्ध होकर के रुकती है, ठीक। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि जो गायक होते हैं या गाते हैं उनकी आवाज़ हमें बहुत सुरीली लगती है, तो उसका क्या है कारण कि हमें उनकी आवाज़ सुरीली लगती है, कि उसके दो कारण हैं। पहला तो उनकी आवाज़ बहुत सुरीली, सुंदर या पतली होती है। दूसरा कि उनके मुख से वर्णों के बोलने का तरीका कुछ अलग ही होता है। किस वर्ण का उच्चारण कितनी देर करना, किस प्रकार से करना, या हम कहें किस स्वर तंत्र से करना, ये स्पेशल होने के कारण से हमें उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, ठीक। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि यदि हम बांसुरी बजाएं, यद्यपि हर कोई फ्लूट बजाने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन जो भी फ्लूट को बजाने में सक्षम होता है वो बहुत अच्छी ध्वनि फ्लूट से निकालता है। और फ्लूट से ध्वनि निकलने का एक ही कारण होता है, हमें पता होता है कि वो फ्लूट अंदर से खोखली होती है, लेकिन जब हम उस फ्लूट में हवा प्रवेश करते हैं तो उन्हें कुछ छेदों के द्वारा से बाहर निकाला और बंद किया जाता है। तो उन छेदों से वह हवा जितनी प्रेशर से, जितनी तेज़ी से निकलती है, अवरुद्ध होती है, छिकती है, वैसी ही ध्वनि वहाँ से निकल करके आती है।
तो सीधा सा आप फ्लूट में से इतनी अच्छी ध्वनि या सारे गामा पा की ध्वनि जो निकल रही है उन छेदों में से वो कैसे निकलती है, यही कारण है हमारी वर्णमाला के संपूर्ण उच्चारण का। मान लीजिए कि वो फ्लूट की तरह ही हमारा जो शरीर है, बॉडी है, उसमें फ्लूट की तरह एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुख द्वार से लेकर के पेट तक एक नली फ्लूट की तरह डली हुई है, और उस नली में मुख द्वार से हमारी जो हवा है वो प्रवेश करती है, लेकिन प्रवेश करते समय वह हवा जो हमारे पेट में चली जाती है और फिर वहाँ से वापस आती है, क्योंकि निकलने का द्वार मुख द्वार ही है। अब मुख द्वार से निकलती है तो किन किन स्थानों पर अवरुद्ध हो जाती है, जिन्हें हम स्वर तंत्र कहते हैं, तो उन स्वर तंत्रों से टकरा करके वो हवा जब बाहर निकलती है तो अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। वो स्वर तंत्र विशेष होते हैं, जैसे हमारा कंठ, गला हो गया, तालु, जिह्वा के ऊपर का जो स्थान है वो तालु हो गया, मूर्धा, जिह्वा के ऊपर का आगे का स्थान मूर्धा हो गया, दंत, कभी हवा दांतों से टकरा जाती है, कभी हवा ओंठों से टकरा जाती है। तो इस प्रकार से हवा के वापस आने पर वो जिस स्थान से टकराती है वैसे ही ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण व्यंजन वर्णों का उच्चारण की अपेक्षा से भी देखेंगे कि किस किस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो चलिए, जो वो 25 वर्ण हैं उन 25 वर्णों का हमें पता है कि प्रत्येक का च टा ता और पा इन पांच वर्गों में बांटा गया है, और प्रत्येक वर्गों में पांच पांच अक्षर, पांच पांच वर्ण होते हैं। इस प्रकार से टोटल 25 वर्ण हो जाते हैं। चलिए अब हम इसका उच्चारण देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है का वर्ग। का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। कंठ का मतलब होता है गला, कि का खा गा घा गा इन पांचों वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। एक बार हमने मुंह खोला और हम एक साथ पांचों वर्ण बोल सकते हैं, का खा गा घा गा। दूसरा है तालु, इसका उच्चारण स्थान तालु। तालु क्या कहलाता है कि जो हमारी जिह्वा है उस जिह्वा के ऊपर जो स्थान बना हुआ है, जैसे हम बुंदेलखंडी में तलवा तरुआ बोलते हैं, या कुछ भी जब हम खाते हैं तो यहाँ पर चिपक जाता है, तो जिह्वा के ऊपर का जो स्थान है वो ही यहाँ पर तालु कहलाता है। तो जब हमारी जिह्वा ऊपर के तालु को छूती है तो इन सभी तालु के वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे हमने बोला चा, आप बोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चा, आपने जैसे ही चा बोला आपकी जिह्वा ने ऊपर के तालु को छुआ, च छ ज झ य। तो इस प्रकार से जिह्वा का ऊपर के तालु को छूना वो तालु कहलाता है। नेक्स्ट है मूर्धा। मूर्धा में क्या होता है कि जिस प्रकार से तालु में च छ ज झ करके जिह्वा ने ऊपर के स्थानों को छुआ था, मूर्धा में जिह्वा फिर से ऊपर के स्थान को छुएगी, लेकिन अब फोल्ड हो करके। सबसे पहले जिह्वा हम पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे, जैसे हमने बोला ट, तो अभी तालु में तो जिह्वा खुली हुई थी तो चा, लेकिन जब हमने मूर्धा के टा का उच्चारण किया तो जिह्वा पहले फोल्ड हो जाती है, फिर वो बोलती है ट ठ ड ढ ण। इसका मतलब है कि जिह्वा का फोल्ड होकर के ऊपर के तालु को छूना वो मूर्धा कहलाता है। तो इस प्रकार से ट ठ ड ढ ण का उच्चारण हम जिह्वा को फोल्ड करके मूर्धा यंत्र से करते हैं। आगे है दंत। दंत का सीधा सीधा अर्थ होता है दांत, और जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दांतों को छू करके इन पांचों वर्णों का उच्चारण करता है, ता थ दा धा ना। आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि जिह्वा का आगे का जो हिस्सा होता है अग्रभाग, वो ऊपर के दांतों को छू करके इनका उच्चारण करता है, ता थ दा धा ना। इस प्रकार से ये पांचों ही वर्ण दंत स्वर तंत्र से बोले जाते हैं। ध्यान रखना, जिन वर्णों का उच्चारण जो स्वर तंत्र बताया हुआ है वह उन्हीं से ही निकलते हैं। यदि हम चाहें कि हमारी जिह्वा का अग्रभाग दांतों को ना छुए और फिर ता था दा धा ना का उच्चारण कर ले तो ये असंभव है। ये वैसे ही असंभव है जैसे फ्लूट को बजाते समय यदि हमें सारे गामा पा निकालना है तो हवा को जिस छेद से, जिस स्वर तंत्र से उस हवा को निकलना चाहिए, यदि वो नहीं निकलती है
तो उच्चारण गलत ही वहाँ से निकलता है, वह हमें बेसुरीला लगता है। वैसे ही यदि हम सही स्वर तंत्र से सही वर्ण का उच्चारण नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि वो वर्ण का उच्चारण गलत ही होता है, सही नहीं होता है। चलिए अगला है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है दोनों ओंठ, और उन दोनों ओंठों की सहायता से हम प फ ब भ म, इस प्रकार से हमारे दोनों ओंठ आपस में चिपक जाते हैं, फिर खुलते हैं, फिर चिपकते हैं, और इनसे हमें निरंतर प फ ब भ म की ध्वनि रूप में निकलते हैं। इस प्रकार से हमने पांचों ही वर्गों के 25 स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण देखा है। एक बार मैं फिर से बता दूं, कंठ का मतलब होता है गला, क ख ग घ ङ। तालु का मतलब होता है जिभा के ऊपर का कोमल स्थान, जहाँ जिभा सीधे रह करके ऊपर को च छ ज झ करके छूती है। मूर्धा में इससे थोड़ा सा उल्टा होता है, जिभा पहले पीछे फोल्ड हो जाती है, फिर ऊपर के तालु के को छूती है, ट ठ ड ढ ण। और दंतों में जिभा का अग्रभाग ऊपर के दांतों को छूता हुआ उच्चारण करता है, ता थ द ध न। और ओष्ठ में दोनों ओंठ आपस में चिपक करके प फ ब भ म, इस प्रकार से उच्चारण ध्वनि के रूप में उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से 25 स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण हमने यहाँ पर देखा है। और स्पर्श व्यंजन इनको क्यों कहते हैं, अब आप समझ ही गए होंगे कि जब भी पेट से बाहर आने वाली हवा इन स्वर तंत्रों से टकराती है, स्वर तंत्र का मतलब कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से या ओंठ से टकराती है, तो उसी प्रकार की ध्वनि या उसी प्रकार का वर्ण वहाँ से निकलता है, जो कि अभी हमने स्पर्श व्यंजनों में यहाँ पर देखा हुआ है। अब हम नीचे देखते हैं कि यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो उसे पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे बांग्मय, अन्न, चिन्मय, उन्मुख आदि। ठीक, हम देख रहे होंगे कि 25 स्पर्श व्यंजनों में इस पर घेरा लगाया हुआ है, अर्थात प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर होने के कारण इनका नाम पंचमाक्षर पड़ गया है। और पंचमाक्षर का उपयोग हम अनुस्वार के रूप में भी करते हैं। अनुस्वार का मतलब होता है किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी रख देना, तो जब कभी कोई बिंदी रखा हुआ शब्द आता है तो उसका यूज हम पंचमाक्षर के रूप में भी कभी कभी तोड़ करके कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई शब्द लिख दिया पंच, कि पंच शब्द यदि हमने लिखा है तो ऊपर यदि बिंदी रखी है तो ये अनुस्वार है, लेकिन यदि इसी बिंदी को हम पांचवें अक्षर में तोड़ देते हैं पंच, तो ये टूट जाता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से वर्ग के पंचम अक्षर में टूटना है, तो इस बिंदी अनुस्वार के पश्चात जो वर्ण हो, जैसे यहाँ चा वर्ण है, तो हम देख लेंगे कि चा वर्ण तालु का पंचमाक्षर यहाँ होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पंच। मान लीजिए हमारे पास एक शब्द आ गया दंत, तो अब दंत में हमें पता है कि यहाँ पर क्या लिखा है, ता, और ता होने का मतलब है ता वर्ग का पंचमाक्षर होता है ना, तो फिर इस अनुस्वार को हम तोड़ करके ना में भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, उनको हम तोड़ करके इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 और उनका उच्चारण समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, कि इसका जो दूसरा भेद है, जिनके भेद यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, या रा ला वा। तो सबसे पहले इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं, अंतः मतलब होता है अंदर और स्थ मतलब स्थित। ये यारा लावा ऐसे वर्ण हैं कि जो हमारे हृदय में स्थित रहते हैं और इनको हम आराम से बोल सकते हैं। जैसे कि अभी जो हमने 25 स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण सीखा है, ये बाहर मुख द्वार से ही बोल दिए जाते हैं, अर्थात गले से नीचे नहीं उतरते हैं, मुख द्वार से ही बोल करके कहीं ना कहीं किन्हीं स्वर तंत्रों से टकरा करके इनको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन जो हैं या रा ला और वा, ये हमारे कंठ से भी नीचे उतर करके हृदय में विराजमान होते हैं और यहाँ से ही कंपन करते हुए इनको फिर बोला जाता है। इसका मतलब है कि गूंगा व्यक्ति भी यदि या रा ला वा बोलना चाहे तो स्पष्ट रूप से बोल सकता है। तो इस प्रकार से चार अंतस्थ व्यंजन हैं, या रा ला और वा। आगे देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन के बाद आता है ऊष्मीय व्यंजन। तो ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से हैं, इनकी संख्या भी चार ही बताई गई है,
और ऊष्म मतलब होता है, सीधा सा हम समझ लें कि एनर्जी या ऊर्जा, ऊष्म मतलब ऊर्जा या एनर्जी, कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी सबसे ज़्यादा ऊष्मा या एनर्जी खर्च हो जाती है वो ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि हमने देखा कि तीनों प्रकार के सा और हा, ये ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं, और जब भी हम बोलते हैं सा 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 हा तो इसमें हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है। यद्यपि वर्णमाला की संपूर्ण वर्णों के उच्चारण में हमारी ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन ये तीनों प्रकार के सा और हा ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमारी अत्यधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा में हम देख सकते हैं कि जो वायु हमारे पेट में है, जब हम मुख को खोलते हैं तो कभी कभी मुख थोड़ा खोलते हैं, कभी कभी पूरा खोलते हैं, तो उसी मुख को खोलते समय हमारे पेट के अंदर की जो हवा है वो बाहर अधिक निकल जाती है। जैसे हम बोल के भी देख सकते हैं सा 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 हा, तो इस प्रकार से सा 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 हा में हमारे पेट की हवा अत्यधिक बाहर निकल जाती है, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती है, इसलिए इन वर्णों को ऊष्मीय वर्ण कहा जाता है। और इनकी संख्या भी यहाँ पर चार बताई गई है, सा श्रा सा और हा। इस प्रकार से आगे संयुक्त व्यंजनों की चर्चा की है, तो ये संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, हमें स्पष्ट दिख ही रहे हैं। सबसे पहला छा, जो कि का और सा से मिलकर के बनता है, ग्या जा और यहाँ से मिलकर बनता है, त्रा ता और रा से मिलकर के बनता है, श्रा सा और रा से मिलकर के बनता है। जी हाँ, ये वही संयुक्त व्यंजन हैं जहाँ दो व्यंजन स्वर रहित होते हैं, कोई भी बीच में मात्रा या स्वर इस्तेमाल नहीं होता है, तब जाकर के उनसे मिलकर के ये छा और ज्ञा त्रा और श्या बन जाते हैं। इनका हमें विशेष ध्यान वर्ण विच्छेद के समय रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई ऐसे शब्द वर्ण विच्छेद के लिए आ जाते हैं जिनमें छत्र ज्ञा या श्रा का उपयोग किया जाता है, तो हमें विशेष इन संयुक्त व्यंजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन के बाद द्युत व्यंजन भी होते हैं। द्युत व्यंजन क्या कहलाता है? द्युत का मतलब होता है कि जैसे अभी यहाँ हमने दो दो व्यंजनों को आपस में मिलाया था, यहाँ भी दो व्यंजन आपस में मिलने वाले हैं जो कि स्वरों से रहित होंगे, लेकिन वो समान होंगे। समान का मतलब है जैसे टा के साथ टा आ जाना, पा के साथ पा आ जाना, तो फिर इनको हम डबल पा कर देंगे, इसको हम डबल टा कर देंगे। इस प्रकार से एक ही समान व्यंजनों का आपस में मिल जाना वो द्युत व्यंजन कहलाता है। और यदि वो व्यंजन समान नहीं होते हैं, असमान होते हैं, तो उन असमान को हम यहाँ पर संयुक्ताक्षर कह सकते हैं। तो संयुक्त व्यंजन चार ही होते हैं, और संयुक्ताक्षर कोई भी अन्य अन्य दो व्यंजनों का बिना स्वर रहित मिल जाने पर हम उनको संयुक्ताक्षर यहाँ पर कह सकते हैं। इस प्रकार से हमने व्यंजन वर्णों का संपूर्ण वर्णन यहाँ पर देखा कि व्यंजन वर्ण के चार भेद होते हैं, सॉरी, व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं, वो तीन भेद स्पर्श व्यंजन के 25 भेद, अंतस्थ व्यंजन के चार भेद, रूस्मी व्यंजन के चार भेद। इस प्रकार से हम टोटल यदि इनके संपूर्ण वर्ण भेदों को जोड़ देते हैं 25, 4 और 4, तो हमारे संपूर्ण व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वो हो जाती है 33। इसी प्रकार से हमें 25 स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थानों को भी याद रखना है कि किनका उच्चारण कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से किया जाता है। इस प्रकार से हमारे व्यंजन वर्णों का ये भेद और उच्चारण का क्रम यहाँ पर पूरा होता है। धन्यवाद।